दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 70,126 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने भाई भतीजावाद बढ़ाया और आम लोगों से अवसर को छीन लिया। उन्होंने बिना लालू यादव का नाम लिए कहा कि पहले नौकरी के बदले जमीन हड़प ली जाती थी। दरअसल लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन हड़पने का भी आरोप है। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले एनडीए और बीजेपी की सरकारों की पहचान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आज निजी व सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर बन रहे हैं और जिस पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी गई है वह अभूतपूर्व है। परिवारवादी राजनीति ने भाषा के आधार पर लोगों को बांटा, पीएम मोदी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।